दिलजीत कौर, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग ने फिर ली लग 13 मासूम बच्चों की जान। पैसेंजर ट्रेन से टकराई स्कूली वैन। सीएम ने किया घटना स्थल और मेडिकल कॉलेज का दौरा। 2-2 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। वैन ड्राइवर की लापरवाही ने बुझाया कई घरों का चिराग। कुशीनगर हादसे में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संजय यादव ने कहा, मृत बच्चों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की रेल मंत्री ने मानवीय सहायता राशि देने का किया ऐलान। IGRS पोर्टल पर लंबित और डिफॉल्टर संदर्भों के निस्तारण न होने पर जिलाधिकारी ने जनपद के 38 अधिकारियों का अप्रैल माह के वेतन पर लगाई रोक। सपा जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों का जाना हालचाल, किया घटना के निष्पक्ष जांच की मांग। भारत में मेट्रो के शिल्पी मेट्रो मैन ई श्रीधरन ने की गोरखपुर न्यूज से की खास बातचीत। कहा, मेट्रो दौड़ने के लिए शहर में है अनुकूल परिस्थितियां। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ला ने मारवाड़ में आधुनिक कंप्यूटर लैब का किया उद्घाटन। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापार बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक। समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। 30 अप्रैल को ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह का होगा महानगर आगमन, जाएंगे कुशीनगर। और UPCA के सिलेक्टर्स और स्कॉलर्स की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर चल रहा है अंडर-19 क्रिकेट सिलेक्शन मैच। और अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। कुशीनगर जिले में दुदई रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार सुबह मानव रहित क्रॉसिंग पर स्कूली बच्चों से भरी वैन पैसेंजर ट्रेन से टकरा गई। इस हादसे में 13 बच्चों की मौत हो गई जबकि 8 अन्य घायल हो गए। इसके अलावा 3 परिवारों ने अपने घर के 2-2 बच्चों को इस हादसे में खो दिया है। दुदई क्षेत्र के मिश्रौली गांव के दलित ग्राम प्रधान अमरजीत प्रसाद के 2 बेटे और 1 बेटी की इस घटना में मौत हो गई। अमरजीत प्रसाद के 3 बच्चे 12 वर्षीय रवि, 10 वर्षीय संतोष और 7 वर्षीय रागिनी डिवाइन मिशन स्कूल में पढ़ते थे। तीनों बच्चे एक साथ स्कूली वैन में सवार हुए थे। महिरवा गांव के 4 बच्चों की इस घटना में मौत हुई है। इसमें से मिराज और मुस्कान एक ही परिवार के थे। बतरौली गांव निवासी हसन के 2 बेटियाँ साजिदा और तमन्ना की भी इस हादसे में मौत हो गई। हादसे में घायल बच्चों को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ला ने घटना स्थल और मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों का जायजा लिया और दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। सीएम ने मृत बच्चों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। वहीं रेलवे की तरफ से भी मृत बच्चों के परिजनों को 2-2 लाख सहायता राशि देने की बात कही गई है। बच्चे डिवाइन पब्लिक स्कूल के छात्र हैं। वैन सिवान से गोरखपुर जा रही पैसेंजर ट्रेन से टकराई। वैन में 10 साल की उम्र तक के करीब 20 बच्चे सवार थे जो स्कूल जा रहे थे। हादसा सुबह लगभग 7:15 बजे बिशनपुरा थाना क्षेत्र के दुदई रेलवे स्टेशन के पास मानव रहित क्रॉसिंग पर हुआ था। क्रॉसिंग संख्या 45 पर क्रॉसिंग मित्र तैनात था जिसने वैन ड्राइवर को रोकने की कोशिश की थी लेकिन वह नहीं रुका और क्रॉसिंग पार करने की कोशिश की। इस दौरान वैन बीच पटरी पर अचानक पहुंचकर बंद हो गई और यह हादसा हो गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सीएम ने कहा कि घटना की पूरी जांच की जिम्मेदारी मंडलायुक्त अनिल कुमार को सौंपी गई है। वहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ला ने कहा कि घटना काफी दुखद है, दोषी किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। आपको बताते चलें कि हादसे से संबंधित विद्यालय का मैनेजर इस त्रासदी के बाद विद्यालय से प्रिंसिपल के साथ पहले तो फरार हो गया लेकिन पुलिसिया दबाव के बाद दोनों ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। Thank you.
सब ब्लीडिंग हो गई भाई, इससे सबको के जान चल रही है। देखा वाला नहीं क्या, ताल में मत देखा जा। ए क्या लोग क्या देखा तेरा जा। सब ब्लीडिंग हो गई भाई, इससे सबको के जान चल रही है। देखा वाला नहीं क्या, ताल में मत देखा जा। ए क्या लोग क्या देखा तेरा जा। उसको जाने को पहचान लेने ये दुखद घटना है और दुखद घटना के समय शोक संत परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ अच्छा होगा आप सब एक बार थोड़ा रास्ता दे दें, अच्छा होगा। यहाँ पर हम लोग मौके का एक बार मुआयना करके देख लेते हैं। नगर से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी और घटना स्थल से भी देखने के बाद यहाँ पर आया हूँ बिहारी मेडिकल कॉलेज में। आईडी लगाओ। चुप यार। अरे 17 बच्चे और एक ड्राइवर उस वैन में थे। 13 बच्चों की दुखद मौत हुई है। 4 बच्चे और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हैं। यहाँ बिहारी मेडिकल कॉलेज में उन्हें उपचार के लिए भर्ती किया गया है। उन्हें सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। मैंने दोनों स्थानों का इससे पहले घटनास्थल का भी और पडरौना के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का भी भ्रमण करके वहाँ पर इन सब बातों का निरीक्षण किया है। वहाँ के जिला प्रशासन को और गोरखपुर के जिला प्रशासन को भी पीड़ितों को हर संभव सहायता और जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें तत्काल स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं और व्यवस्था हो रही है, उसी का निरीक्षण करने के लिए मैं यहाँ स्वयं आया हूँ। गोरखपुर के कमिश्नर को
इस पूरी दुर्घटना की जांच करके और शाम तक अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। वे घटनास्थल पर ही मौजूद हैं। दुर्घटना मुख्य रूप से मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर हुई है। वहां पर स्कूली वैन एक पैसेंजर ट्रेन से टकराने के बाद ये दुखद घटना घटित हुई है। मैंने रेल मंत्री से इस संबंध में बातचीत की है। जो मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है उन्हें मानव युक्त करने के बारे में उनसे अपील की है। रेलवे मंत्रालय ने भी अपनी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति व्यक्त की है जिनके बच्चे इस दुर्घटना के शिकार हुए हैं। हमने प्रदेश सरकार की तरफ से पीड़ित परिजनों में प्रत्येक मृतक के परिवार को 2-2 लाख रुपए की सहायता और गंभीर रूप से घायल को 50,000 रुपए की सहायता दी है। और रेलवे मंत्रालय ने भी मृतक के परिजनों को 2 लाख और गंभीर रूप से घायल जो भी यहां पर है उन सबको 1-1 लाख रुपए की सहायता की है। सायंकाल तक रिपोर्ट आने पर जो भी इसके मामले में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई प्रदेश सरकार भी करेगी और मैं रेल मंत्रालय से भी इस बारे में हाँ जो भी है इन सब की जांच हो रही है। और हाँ एयरफोन लगाने की बात सामने आई है, क्षमता से अधिक बच्चे वैन में भरने की बात आई है और भी बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। जो भी चीजें सामने आएंगी कमिश्नर शाम तक अपनी रिपोर्ट देंगे और कठोरतम कार्रवाई होगी क्योंकि सड़क सुरक्षा के साथ साथ यातायात के बारे में कई बार इस बारे में प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन को भी और सभी संबंधित परिवहन विभाग को सभी लोगों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। किसी भी स्थिति में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोका जाना चाहिए। जो भी इस मामले में जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी कठोरतम कार्रवाई करने में हम लोग इच्छुक हैं। देखा है निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया है और वो उस स्थान पर भी गए थे जहाँ दुर्घटना हुई थी। जितना प्रयास हो रहा है वो सब कुछ हो रहा है। उन्होंने भी राज्य सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए दिया है, रेलवे मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से रेलवे मंत्रालय ने भी दिया है और हर प्रकार की चिकित्सा की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। कुशीनगर हादसे में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संजय यादव ने गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कहा कि हादसा कुशीनगर जिले के कप्तानगंज थावे के पास दुदई रेलवे स्टेशन के पास एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ है। बच्चों को स्कूल लेकर जा रही एक वैन सिवान गोरखपुर पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गई। दुर्घटना में कम से कम 13 बच्चों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि क्रॉसिंग पर एक मानव रहित क्रॉसिंग मित्र तैनात था। उसने वैन ड्राइवर को रोकने की कोशिश की लेकिन ड्राइवर उसे अनसुना कर दिया और यह हादसा हो गया। उन्होंने कहा रेलवे की तरफ से बच्चों के परिजनों को 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। देखिए आज सुबह 7:10 पर पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के कप्तानगंज थावे खंड में रेल खंड में दुदही स्टेशन के आसपास किलोमीटर 75/1-2 पर अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग संख्या 45 पर एक भीषण दुर्घटना हुई जिसमें एक स्कूल वैन से हमारी गाड़ी संख्या 55075 सिवान गोरखपुर पैसेंजर टकरा गई जिसमें कि अब तक 13 बच्चों की मौत हो चुकी है और बाकी 5-4 बच्चे घायल हैं और एक ड्राइवर जो है वो भी घायल है। तो क्या इन लोगों मुआवजे का ऐलान किया गया है? देखिए अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग के केस में नियमतः कोई मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि रोड व्हीकल की गलती होती है, रोड व्हीकल की गलती होती है, लेकिन मानवता के आधार पर हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने प्रत्येक जो बच्चा जो इसमें जिसने अपनी जान गंवाई है उसके परिवार को 2 लाख रुपये का मुआवजा रेल मंत्री जी की तरफ से दिया जाएगा। घायलों का इलाज कहाँ हो रहा है? घायलों का इलाज अभी पडरौना के अस्पताल में सभी एडमिट थे, अब वहाँ से उनको शिफ्ट किया जा रहा है यहाँ BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में। कुल घटना की वजह
पूर्णतया जो है स्कूल वैन का जो ड्राइवर था, जो टाटा मैजिक का जो ड्राइवर था, उसकी लापरवाही से हुई। ये बिल्कुल अब पुष्ट हो गया है कि वहाँ पर रेलवे का गेट मित्र जो है गेट पर उपलब्ध था, उसने हाथ का इशारे से और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर उसने इस वैन को रोकने की कोशिश की, लेकिन चूँकि वैन ड्राइवर कान में ईयरफोन लगाए हुए था, उसने ना तो वो सुन पाया ना ही उसने देखा। और जल्दी में, क्योंकि स्कूल वैन थी, संभवतः ये लेट हो रही होगी, इसने क्या किया कि इस जल्दी के चक्कर में अपनी गाड़ी जो है लेवल क्रॉसिंग, अनमैन लेवल क्रॉसिंग जो थी उसमें घुसा दी। ये क्योंकि कई बार क्या होता है कि अंदाज़ा नहीं रहता कि गाड़ी की स्पीड क्या है, और तब तक जो है गाड़ी जो है 55075 जो सिवान गोरखपुर जो पैसेंजर थी वो आ गई, उसने इसको हिट किया, जिसमें 11 बच्चों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, 2 बच्चों को जो है हॉस्पिटल ले जाते समय डेथ हो गई। सो हमने ये भी देखा है कि इस तरह के एक्सीडेंट्स में कि अनट्रेन ड्राइवर्स जिनको की कोई जानकारी नहीं है वो लोग चलाते हैं, और वो लोग कानों में ईयरफोन में तेज़ म्यूज़िक सुनते हैं, जिससे कि उनको आती हुई गाड़ी की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि मोटर व्हीकल एक्ट और जो इंडियन रेलवेज एक्ट है, इस पर क्लियर कट प्रावधान है कि अनमैन लेवल क्रॉसिंग पार करते करने की, सुरक्षित पार करने की जिम्मेदारी वो रोड यूज़र की है। ये प्रावधान है कि लेवल क्रॉसिंग, अनमैन लेवल क्रॉसिंग को पार करने से पहले, क्रॉसिंग से पहले ड्राइवर जो है अपनी गाड़ी रोकेगा, उतर के ये सुनिश्चित करेगा कि कोई ट्रेन तो नहीं आ रही, अगर ट्रेन आ रही है तो उसको पास करने के बाद ही पार करेगा, लेकिन ऐसा इस केस में नहीं किया गया और जल्दी से पार करने के चक्कर में ये बहुत बड़ा दुखद हादसा हो। देखिए NER में लगभग 625 के करीब अनमैन्ड गेट, 628 गेट, वो जो 633 का जो आप फिगर बता रहे हैं वो 1 अप्रैल का है, उसके बाद भी कुछ एलिमिनेट हो गए, तो लगभग 625 के करीब गेट्स हैं, अनमैन्ड गेट्स हैं, और हर गेट पर 12-12 घंटे की 2 शिफ्टों में यानी कि राउंड द क्लॉक गेट मित्र तैनात किए गए। उनको क्या संविधा पे है या फिर ये किस तरह से रखें? ये संविधा के आधार पे है, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट किसी एजेंसी को देते हैं, वो एजेंसी इनको डिप्लॉय करती है। जनरली होता ही है कि जो अनमैन लेवल क्रॉसिंग के आसपास के जो क्षेत्र हैं उन्हीं में से जो है वहाँ से के लोग जो है इनको डिप्यूट किया जाता है, वो लोग 12-12 घंटे की ड्यूटी करते हैं। हम तो सारी, देखिए पूर्वोत्तर रेलवे जो है जल्दी से जल्दी अपनी लेवल क्रॉसिंग, अनमैन लेवल क्रॉसिंग को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, और मैं आपको बताऊं कि ये जो लेवल क्रॉसिंग है इस पर भी वर्ष 2017-18 के LWP लोकल वर्क्स प्रोग्राम में इस पर एक सबवे, लिमिटेड हाइट सबवे जो है वो सैंक्शन हो चुका है, जो कि 4.7 मीटर चौड़ाई का होगा और 3.6 मीटर ऊंचाई का होगा, लेकिन इस पर अभी टेंडर की कॉल करने की प्रक्रिया चल रही है। IGRS पोर्टल पर लंबित और डिफेंडर संधर्मों के 100% एवं गुणवत्ता परक निस्तारण न होने पर स्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने जनपद के 38 विभागों के अधिकारियों का अप्रैल महीने का वेतन बाधित कर दिया है। जिलाधिकारी ने डिफेंडर संधर्म निस्तारण न करने के कारण जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, तहसीलदार सदर, जिला पूर्ति अधिकारी, तहसीलदार खजनी, तहसीलदार सहजनवा, अधिशासी अभियंता विद्युत, तहसीलदार कैंपियरगंज, तहसीलदार गोला, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अधिशासी अभियंता बाड़खंड, PWD की अधिशासी अभियंता सिंचाई एवं जल संसाधन, क्षेत्राधिकारी सदर, उपखंड अधिकारी विद्युत सहजनवा, उप जिलाधिकारी सदर, उप जिलाधिकारी खजनी तथा जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फाउंडेशन का वेतन रोक दिया गया है। कुशीनगर जिले में दुदई रेलवे स्टेशन के पास गुरुवार सुबह मानव रहित क्रॉसिंग पर हुए दर्दनाक हादसे में मेडिकल कॉलेज में भर्ती बच्चों को देखने के लिए सपा के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव भी पहुंचे। जिला अध्यक्ष ने मेडिकल कॉलेज में बच्चों के परिजनों से बात कर उन्हें ढांढस बंधाया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सपा के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा कि बच्चों की दर्दनाक मौत हृदय को दहला देने वाला है, इसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। इसमें 4 बच्चे भर्ती हैं, 3 की हालत बहुत गंभीर है, 3 और उनके सर में अत्यधिक चोट है, और एक जो ड्राइवर भर्ती है उसकी हालत बहुत नाजुक है। बहुत ही मतलब वो शब्द नहीं है कि इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है, बहुत निराशाजनक है। प्रदेश सरकार को चाहिए कि संवेदना के आधार पर, मानवीय संवेदनाओं के आधार पर उनके परिजनों को पहले तो ईश्वर
उस दुख को सहन करने की ताकत दें। जो बच्चे मर गए और जो बच्चे इतने पूरी तरह से घायल, और बाकी जो सरकार अपनी तरफ से करेगी, तो मैं समझता हूँ कि सरकार को अधिक से अधिक, अब वो क्षतिपूर्ति उन बच्चों की क्या हो सकती है, लेकिन अधिक से अधिक जो भी उनके परिजनों के साथ, अभिभावकों के साथ सरकार कर सके करना चाहिए। लखनऊ के बहादुरपुर सिटी को आने वाले समय में मेट्रो जैसी बड़ी सौगात मिलने वाली है। गोरखपुर जैसे छोटे शहर के लिए यह एक बहुत बड़ा सरकार की ओर से तोहफा होगा, जिससे बदल जाएगी गोरखपुर की तस्वीर। गोरखपुर न्यूज ने इस खबर की गंभीरता को देखते हुए मेट्रो मैन ई श्रीधरन से खास मुलाकात की। इस मुलाकात में मेट्रो मैन गोरखपुर न्यूज को जानकारी देते हुए बताया कि एक महीने के अंदर डिटेल प्रोग्राम रिपोर्ट दी जाएगी। आने वाले समय में बजट का प्रावधान हो जाएगा और लगभग 3 से 4 सालों में गोरखपुर में दौड़ने लगेगी मेट्रो ट्रेन। इस बारे में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए ई श्रीधरन ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया। कई जगहों पे गए हैं, क्या क्या आपको मिला? We have done, we have gone along the two corridors, seen all the technical problems involved and what solutions are required. We have taken decisions on that. Based on that, we are going to prepare now a detailed project report and estimates. And we expect within a month's time, the report will be ready and submitting to the state government. Or the state government accepts the report, it has to go to Government of India for approval. Then only one can start. Generally, after the report is submitted, it takes about 8 to 10 months time for the, all the payments has to be obtained. So far, it's going on well. And we hope Metro will come to Gorakhpur at the earliest. Sir, it's just like a dream become true for this type of city. Sir, how much time it will take to? Once the project is approved, the first section will be ready within about 3 years' time. Okay. And the whole project can complete it in only about 5 years' time. 5 years. Okay. No, not much of a change. और अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग ने फिर ली 13 मासूम बच्चों की जान। पैसेंजर ट्रेन से टकराई स्कूली वैन। सीएम ने किया घटना स्थल और मेडिकल कॉलेज का दौरा। 2-2 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। वैन ड्राइवर की लापरवाही ने बुझाया कई घरों का चिराग। कुशीनगर हादसे में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संजय यादव ने कहा, मृत बच्चों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की रेल मंत्री ने मानवीय सहायता राशि देने का किया ऐलान। IGRS पोर्टल पर लंबित और डिफॉल्टर संदर्भों के निस्तारण न होने पर जिलाधिकारी ने जनपद के 38 अधिकारियों का अप्रैल माह के वेतन पर लगाई रोक। सपा जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों का जाना हालचाल, किया घटना के निष्पक्ष जांच की मांग। भारत में मेट्रो के शिल्पी मेट्रो मैन ई श्रीधरन ने की गोरखपुर न्यूज से की खास बातचीत। कहा, मेट्रो दौड़ने के लिए शहर में है अनुकूल परिस्थितियां।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ला ने मारवाड़ में आधुनिक कंप्यूटर लैब का किया उद्घाटन। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापार बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक। समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। 30 अप्रैल को ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह का होगा महानगर आगमन, जाएंगे कुशीनगर। और यूपीसीए के सिलेक्टर्स और स्कॉरर्स की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर चल रहा है अंडर 19 क्रिकेट सिलेक्शन मैच। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। गोरखपुर न्यूज की तरफ से एक विशेष ऑफर, ऐशप्रा के शोरूम पे जाइए और जितने ग्राम के सोने के आभूषण आप खरीदेंगे उतने ही ग्राम के चांदी के आभूषण मुफ्त पाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलते हैं खबरों के अगले क्रम में। मारवाड़ इंटर कॉलेज में बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कॉलेज में आधुनिक कंप्यूटर लैब की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन गुरुवार को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ला द्वारा किया गया। इस अवसर पर मारवाड़ी सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर आरपी अग्रवाल, सचिव श्याम विहारी अग्रवाल, मारवाड़ इंटर कॉलेज के प्रबंधक प्रकाश भलोटिया, अध्यक्ष विष्णु अजीत सरिया, प्रधानाचार्य आर्यन गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि का स्वागत अंग वस्त्र भेंट कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ला ने कहा कि कॉलेज का यह कार्य सराहनीय है, इससे गरीब बच्चों को काफी लाभ मिलेगा। हम आज के बच्चा से सभी पहुंचते हैं, तो बाकी विषय पर हम प्रकाश करें। आपको अपने जल स्मरण किया, आपने हमेशा हमें शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में महती भूमिका पिछले 15 दिन से प्रतिदिन मुझे कम से कम 2 बार भी करके मेहनत की गई, तो हमें अपने विद्यालय परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की दी गई। उसमें कुछ कठिनाइयां आ गई थी क्योंकि हमारे पास ट्यूटर केवल एक है और बच्चे बहुत सारे, लगभग मेरे यहाँ 1400 बच्चे पढ़ते हैं। तो अभी मैंने 6, 7, 8, 9, 10 की कक्षाओं के लिए, छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि हमें बेसिक कोर्स उनको सिखाना है, हमें कंप्यूटर से परिचय, उसके बाद 1:30 बजे से या 2 बजे से लेकर 5 बजे तक हम बाहर की गर्ल चाइल्ड को कंप्यूटर से शिक्षित करेंगे, कंप्यूटर के प्रति जागरूक करते हुए शिक्षित करेंगे। मैंने अभी आपसे चर्चा नहीं किया है, मैंने इस विषय में ये विचार किया कि जो बच्चे पावर्टी लाइन बी बिलो पावर्टी लाइन है, जो कभी कंप्यूटर के बारे में सोच नहीं सकते, उनके घर परिवार में इस तरह की सुविधा कभी आ नहीं सकती, ऐसे बच्चों को जोड़ करके, ऐसी लड़कियों को जोड़ करके समाज की, और अगर हम उनको शिक्षित करेंगे तो शायद हम समाज में ज्यादा सेवा भाव से अपना काम कर पाएंगे। मेरा घर का कोई शौक था लेकिन उससे थोड़ा समय निकालने के लिए डॉक्टर आर्यन साहब ने मुझसे इस बात को कहा, मैं उस समय दिल्ली में था। कंप्यूटर के शिक्षा हम बालिकाओं को देना चाहते हैं और उसके लिए एक संस्था है जो सहयोग है, उसे हम कितने भी अच्छे लोग विद्यालय से जुड़े रहते हैं, पता नहीं कौन सा विद्यालय का नक्षत्र है उसमें विवाद करता है, इसमें भी होता है।
मुकदमेबाजी भी हुई है, सब कुछ हुआ है, आज खत्म हो गया है। हम लोगों को अपना क्षेत्र के विकास काम कराने के लिए विभिन्न संस्थाओं के सी एस आर की जरूरत मांगते हैं, कराते हैं। ये श्री बाबा की सोसाइटी का निर्णय है, यहाँ का थोड़ा थोड़ा करें तो सबके यहाँ सी एस आर करना होता है। और विद्यालय पर्याप्त चल रहे लेकिन जो नहीं हो पाता है वह इसलिए जो नहीं हो। आजकल मैं उधर देखा बच्चियां बैठी हुई हैं, कंप्यूटर पर बैठी हुई हैं, तो मैं डॉक्टर अंबेडकर एवं साहब से सवाल को कहा, संजय जी से कहा कि इसको और आगे बढ़ाओ और भी विद्यालय में लोगों से बातचीत करो, आवश्यकता पड़ेगी तो मैं स्वयं अपने सांसद निधि से भी 25 लाख रुपए दे करके अन्य विद्यालयों में ये कंप्यूटर लगे, क्योंकि जो हम लोगों का हेडमास्टर है ना, हमारा हेडमास्टर तो नरेंद्र मोदी है, क्योंकि वो ये बड़े प्रधानमंत्री और हमारे जाते नेता है। हम लोगों को भी कभी कभी क्लास लेकर के ये पूछते हैं कि ट्विटर क्या है, फेसबुक क्या है, ये सब बातें हैं। हम लोग तो बहुत ज्यादा जा रहे हैं, तो मुझसे अधिक ज्ञान तो 7-8 साल के बच्चे को होगा जो फटाफट उससे निकालना शुरू कर देता है एक से। उसके लिए तैयार भाई हो बात हम लोग तैयार करो, समय तो हम लोग बनाते खरीदे बनाते हैं, 2 साल में टूट जाते हैं। ऐसा नहीं कि कंप्यूटर 2 साल में टूटेगा नहीं, खराब नहीं होगा, लेकिन 2 साल के अंदर कम से कम इस कंप्यूटर पर, एक कंप्यूटर पर 2 लोगों की जिंदगी पूरे जीवन के लिए हम बना सकते हैं, खरीदा नहीं होगा, सड़कों का हाँ, तो लंदन ब्यूरो का
को जोड़ने की कला चाहिए। तो एक अच्छी शुरुआत करके ऐसी शुभकामना भी देता हूं। इसमें जितने लोग बैठे हुए हैं हमारे एक्शन के लिए एक भी ऐसा किसी नहीं किसी भी लेकिन जब मैं विद्यार्थी था तो मुझे प्रोत्साहन देने के लिए मैं जब भी यीशु जी के पास जाता था तो उस समय भी आज से 40 साल पहले 45 साल पहले तभी मुझे ये 200 रुपए मिले और वह मेरे पर 200 रुपए विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम के लिए हुआ हमने जो विद्यार्थी परिषद का काम किया। मैंने कभी अपने को निराश नहीं पाया कि किसी के यहाँ गया हूँ विद्यार्थी जीवन में और मेरे विद्यार्थी परिषद के लिए उसने मेरे कहने पर पैसे दिए। लेकिन पता है क्या होगा मैंने सुना होगा पहले सुना से लेकर के अभी किसी ने पूछा ही नहीं मुझे कि भैया वो भी सुना होगा मैं कुछ दे दूँ अभी मैं कर्नाटक से आऊँगा। समीक्षा बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एसएसपी शल्लभ माथुर, एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ, एडीएम सिटी रजनीश चंद्र, व्यापारी नेता जवाहरलाल कसोधन, योगेंद्र नाथ दुबे, रमेश गुप्ता सहित अन्य व्यापारी और नगर निगम, जल निगम, मंडी समिति सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में साफ सफाई, पथ प्रकाश, व्यापारियों की सुरक्षा, पार्किंग सहित अन्य बिंदुओं पर कर्मवार समीक्षा की गई। बैठक में नवीन फल एवं गल्ला मंडी में मछली मंडी, दूध मंडी के संचालन की स्थिति को सुधारने, दवा मंडी भलोटिया में जल जमाव की स्थिति को ठीक करने सहित व्यापारियों के अन्य समस्याओं के समाधान की समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यापारियों की समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए इसका तत्काल निस्तारण करें। निर्माण के यहाँ पत्ती निर्माण के लिए कारोबार करने के लिए खूब काम करेंगे। निर्भर करा दी आप लोगों को आए उसके बाद जरूरी वाले दूसरे काम के सामने लगाए गए हैं उसका उसका बजट कम दिया है लोगों को नहीं लोगों को नहीं कर दिया है एक के चलते उनकी आग लगती है सब व्यापारी डिस्टर्ब होते हैं उसे तो आप रोकेंगे ना हाँ तो आप रोकिए इसके इसके लिए निर्देश जारी करिए कहाँ पत्र अगले बार भी साहब ने कहा था कि इसके लिए आप रोकिए कोई भी अगर किसी दुकान के सामने नहीं रखेगा चाहे घी तेल की दुकान हो चाहे दाल की दुकान हो बाकी वाले नहीं रखेंगे ये सब हमको कहना था सर अगर दूध मंडी के लिए लाभ है और रुई मंडी के लिए ट्रांसपोर्ट जगह खाना दूध पनीर वगैरह एक बहुत बड़ी मंडी वहाँ पर बच जाएगी और राजस्व मिलेगा मंडी सभी को आएगी एक खाली जमीन पर अगर दुग्ध मंडी के लिए लाट दूसरी चीजें लाट नहीं हो सकती तो दुग्ध मंडी ही विकसित हो जाए हम लोगों ने बैठक में विचार किया है जो नगर निगम से संबंधित है इसमें सर ये तय किया गया नली की सफाई का कार्य जिसे तत्परता से कराया गया इस विषय को लेकर के अभी जो बैठक में जिस तरह से हम लोग पहुँचे सफाई और गंदगी को लेकर के निगम से संबंधित है हम लोग बरसात झेलती आए और हमारी बड़ी बड़ी मंडियां जैसे यहाँ हिंदी बाजार है घंटा घर है साहबगंज है गल्ला मंडी है यहाँ पानी घुस जाता है सर हम लोगों ने नगर निगम से कहा कि समय रहते अगर तेजी से कार्यवृत्ति बना करके व्यापारियों के साथ एक समन्वय स्थापित करके ड्रेनेज की सिस्टम को क्लियर करते सड़क पे हो जाते हैं कई ये लोग नहीं कर पाते हैं राजस्व पूरा ले लेते हैं सर लेकिन हम लोगों को सफाई नहीं मिल पाती दवा भी तो अभी कुछ प्रॉब्लम है तो फिर से अभी ये हुआ है स्पीकर को आपने निकला है सफाई जो हुई है वहाँ पे क्योंकि मंडी बहुत बड़ी है वहाँ पे दो लोग खाली बस देख लेंगे पूरे ऐसे बनकर कार मतलब ऐसे सर ऊपर जाते हैं किसी दिन एक शॉर्ट सर्किट हुआ तो कोई तो जाएगा तीस अप्रैल को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के प्रदेश मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह सुबह 6:40 सर्किट हाउस में पहुंचेंगे। सुबह 8 जनपद कुशीनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। गुरुवार को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर अंडर 19 सिलेक्शन का दूसरा मैच गोरखपुर और देवरिया के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गोरखपुर ने निर्धारित 45 ओवर में 220 रनों का स्कोर खड़ा किया। 221 रनों का पीछा करने उतरी देवरिया की पूरी टीम 100 रन के अंदर ही ऑल आउट हो गई और गोरखपुर की टीम ने इस मैच को भारी अंतर से जीत लिया।
बताते चलें कि गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन ट्रायल के दौरान ही विवादों में चल रही थी। इसी वजह से ट्रायल के बाद आयोजित सिलेक्शन मैच यूपीसीए के सिलेक्टर और स्क्वायरर की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर किया जा रहा है। चलते चलते डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग ने फिर ली 13 मासूम बच्चों की जान। पैसेंजर ट्रेन से टकराई स्कूली वैन। सीएम ने किया घटना स्थल और मेडिकल कॉलेज का दौरा। 2-2 लाख रुपया मुआवजे का किया ऐलान। वैन ड्राइवर की लापरवाही ने बुझाया कई घरों का चिराग। कुशीनगर हादसे में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संजय यादव ने कहा, मृत बच्चों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की रेल मंत्री ने मानवीय सहायता राशि देने का किया ऐलान। IGRS पोर्टल पर लंबित और डिफॉल्टर संदर्भों के निस्तारण न होने पर जिलाधिकारी ने जनपद के 38 अधिकारियों का अप्रैल माह के वेतन पर लगाई रोक। सपा जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर घायलों का जाना हालचाल, किया घटना के निष्पक्ष जांच की मांग। भारत में मेट्रो के शिल्पी मेट्रो मैन ई श्रीधरन ने की गोरखपुर न्यूज से की खास बातचीत। कहा, मेट्रो दौड़ने के लिए शहर में है अनुकूल परिस्थितियां। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री प्रताप शुक्ला ने मारवाड़ में आधुनिक कंप्यूटर लैब का किया उद्घाटन। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापार बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक। समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। 30 अप्रैल को ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह का होगा महानगर आगमन, जाएंगे कुशीनगर। और यूपीसीए के सिलेक्टर्स और स्कोरर्स की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर चल रहा है अंडर-19 क्रिकेट सिलेक्शन मैच। अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।